फिल्म नई फिल्म लव मैरिज का प्री क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स चल रहा है और इसमें एक शादी का माहौल है जहाँ पे हीरो हीरोइन और हमारे फिल्म के सारे पात्र इसमें विलेन सब लोग उपस्थित हैं और बहुत ही एक सुंदर माहौल बना हुआ है। अभी शादी में कुछ विघ्न पड़ी है लेकिन अभी कुछ देर में हैप्पी माहौल हो जाएगा और गाना बजाना भी चलेगा, जिसके लिए हमारे रिकी गुप्ता जी आज हमारे सेट पे आए हुए हैं अपने पूरी जमात के साथ। लगभग 20 से ऊपर डांसर्स हैं इस गाने में और हमारे डीओपी साहब देवेंद्र तिवारी जी अपने मतलब फोटोग्राफी का जादू बिखेरने वाले हैं बहुत ही कलात्मक तरीके से। एक बहुत ही अच्छा माहौल है और कई सारे डायरेक्टर्स आपके बीच दिख रहे हैं, डांस डायरेक्टर, मैं फिल्म का डायरेक्टर और डीओपी डायरेक्टर, तो मतलब एक बहुत ही गुणु जनों को मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है और एक सुंदर माहौल बना है और बहुत ही भव्य तरीके से इस गाने को पिक्चराइज करने की कोशिश है। जैसा कि इस फिल्म के लिए हम लोग का डिसाइड हुआ था और हमने जो डिसाइड किया, हिंदी में बड़े बड़े फिल्मों में देखा होगा सारे आर्टिस्ट एक गाने में होते जी, तो इस तरह से ये एक हैप्पी एंडिंग और इस गाने में बूढ़ा भी नाच रहा है, बच्चा भी नाच रहा है, लड़की भी नाच रही है, दुल्हन भी नाच रहा है, दूल्हा भी नाच रहा है, तो इस तरह से हम इसको पिक्चराइज कर रहे हैं। और तारीफ करना चाहूँगा मिस्टर देवेंद्र तिवारी की, बहुत ही अच्छे डीओपी, हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे गाने हम दोनों ने मिल के दिए और बेलू भाई के साथ पहली बार मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, एज एन एक्टर मैंने आपके साथ काम किया था प्रतिज्ञा 2 में और ये मेरा बतौर एक्टर और बतौर डायरेक्टर। यस, ये आप यहाँ पर मेरे कैप्टन है अभी। अरे समय क्योंकि आप शिप अब कैप्टन है, मतलब जी कैप्टन ऑफ शिप है। हाँ, बहुत ही तो आप हम सब आपके मतलब हाथ नीचे नहीं बोल सकता मैं, लेकिन सब इनके हाथ हैं हम लोग, लेकिन सर ये एक ही है, बाकी सब टर है, एक सर है। बहुत सुंदर माहौल बना हुआ है और हमारे फिल्म का जो म्यूज़िक जिन्होंने बनाया, धनंजय मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बनाया है और लिरिक्स भी बहुत प्यारे हैं। अक्षरा जी हैं, अमरीश सिंह जी हैं अपने मतलब, और इसके साथ साथ अवधेश मिश्रा जी, विनोद मिश्रा जी, अयाज खान और भी बहुत सारे। सॉरी, मैं बोलना चाहूँगा कि इस बार धनंजय जी को जबरदस्त म्यूजिक दिया है और बहुत ही प्यारे गाने बनाए हैं इस फिल्म के। बिल्कुल बिल्कुल, और अमरीश भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं चेला भी बोल सकता हूँ उसको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रिस्पेक्ट करता है मेरी और मैं पहली फिल्म है जो अमरीश के साथ करने जा रहा हूँ और तो मेरी डेब्यू है ये डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर बेलू के साथ में और अमरीश के साथ। इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, चाहे वो अरेंज हो चाहे लव हो, वो खुश रहे हैं बस। मैं बस देखिए, हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है और लव मैरिज और मेरी लव मैरिज हुई है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है हमारे फिल्म का कि लव मैरिज के चक्कर में ही सारे फिल्म के किरदार भाग रहे हैं और लव मैरिज कैसे अरेंज मैरिज में तब्दील होता है, ताना बाना तो कुछ यही है लेकिन बाकी की कहानी आपको समझने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी हमारी। थोड़ा इंतज़ार, बहुत जल्दी हम इस फिल्म को कंप्लीट करके आपके बीच लेके आएंगे। हमारी देखिए लगभग, चूँकि हमारा ये आज 5वां 6ठा दिन है तो लगभग हम 30% कंप्लीट कर चुके, 30 से 40% कंप्लीट है, बाकी 60% अभी थोड़ा बाकी है काम। हमारी फिल्म यहीं पे, हमारे जो गुप्ता प्रोडक्शन एंड स्टूडियो है, ये पहली बार जहाँ पे फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की गई है, तो लगभग सारी फिल्म यहीं आसपास में हम लोग शूट करने वाले हैं। और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा स्पेस है, 150 एकड़ में है और धीरे धीरे लोग बना भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा इसको बना रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि यहाँ जो खूबसूरत लोकेशन है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको हम इस सिनेमा में कैद करें। हमारी फिल्म लगभग फरवरी मार्च तक आ जाएगी। मैं तो पहली बार काम कर रहे हैं, हम बेलू भाई हमारे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं। एक बहुत खास बात है कि हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन और इतना काम करने के बाद बहुत इंजॉय, मतलब 5 दिन कैसे क्या हम लोग पता नहीं लगा, लेकिन आज लगता है कि आज उससे भी ज़्यादा धमाल होने वाला है क्योंकि हमारे मास्टर जी आए हैं, बहुत इन्जॉय के साथ हम लोग काम भी करेंगे। यहाँ पे लोकेशन भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग कहीं शूटिंग पे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम अपने गांव में हैं, घर पे हैं, ऐसे माहौल है यहाँ पे। सारे जितने भी एक्टर हैं चाहे टेक्नीशियन हैं, सब लोग एक फैमिली जैसा है, लेकिन बहुत इन्जॉय करके हम लोग जितना काम किए बहुत अच्छे से।